जाएगी अम्मी जी, बहुत जल्द आ जाएगी। बज्जू ये मामला क्या है? ये अंदर ही अंदर कौन से मामला तय किए जा रहे हैं? हाँ बताओ नीला, रेशम को उस राजा ने अगवा किया ना? राजा? वो मोहल्ले का गुंडा? हाँ वो मनहूस, न जाने कब से इसके पीछे पड़ा है। उसकी माँ तो इस घर में इल्जाम भी लगा के गई है इस पे। असल मामला क्या है या तो खुदा जानता है या तुम्हारी बहन। इतनी बड़ी बात तुमने हमें बताने की जहमत तक नहीं की, क्या खुद को सुपरमैन समझती हो? बजो बता भी देती तो क्या कर लेते तुम? कम से कम तुम्हारे हाथ रंग के इस घर से रवाना जरूर कर देते तुमको। अरे लड़कियों का वजूद तो उनके घर और घर वालों के लिए बाई से खुशी होता है, और तुम हमारे लिए हमेशा बाई से जहमत ही बनी। से भी गए जब रोह गए सब कुछ ही गया। आबाद नहीं बर्बाद सही, अफनान। थैंक यू। आशु की स्प्रिंग हॉलीडेज करीब है, बहुत जिद कर रही है कि सारी छुट्टियां मामू के घर पे स्पेंड करेगी। भाई हमारी बेटी बड़ी डिमांडिंग होती जा रही है, पिछले साल लाहौर और अब इस्लामाबाद। इसकी उम्र डिमांडिंग है, बच्चे तो ऐसे जिद करते ही हैं। अच्छा चलो देखते हैं, इनफैक्ट तुम इसके साथ जाना, मैं नहीं चाहता कि इसे अकेले ट्रैवल करने की आदत पड़ जाए। अफनान, कभी आपका दिल नहीं चाहता कि आप भी कुछ दिन कुछ वक्त अपनी बीवी बच्ची के साथ गुजारें? तुम लोगों के साथ ही तो रहता हूँ। साथ रहने और साथ वक्त गुजारने में बहुत फर्क होता है। फजीला आपा के शौहर को देखें, अपनी सारी छुट्टियां फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। देखो निका, जब आप अपनी लाइफ का कंपैरिजन दूसरे की लाइफ से करने लगते हैं ना, तो लाइफ और भी बुरी हो जाती है। हर इंसान की अपनी एक नेचर होती है। मैं फजीला आपा के शौहर जैसा नहीं हूं और ना ही वैसा बनना चाहता। हेलो सर, सर मैं नीलम बात कर रही हूं। जी कहिए सर। सर मैं इस वक्त एक बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, आप मेरे घर आ सकते हैं? इस वक्त? जी सर, मैं जानती हूँ खासी ऑकवर्ड टाइमिंग है, लेकिन अच्छा मैं आने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू सर। कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ जरूरी जाना। किसका फोन था? यार वो एक दोस्त की बीवी का फोन था, मेरे दोस्त की तबीयत अचानक खराब हो गई है। आई हैव टू गो, मैं चेंज कर लूँ जरा।
आप लोग फिक्र ना करें, इस इलाके का एसपी मेरे जानने वाला है, मैं उससे बात करता हूँ। फिर बात तो वहीं आ जाएगी सर, पुलिस घर आएगी, पूछताछ करेगी और सबको पता चल जाएगा कि मामला क्या है। और फिर सर जितने मुंह उतनी बातें। देखो नीलम, पुलिस को तो इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा, वाकया ही कुछ ऐसा है। हाँ ये है कि मैं अपने दोस्त से कह दूंगा कि FIR ना करे, इस मामले को कॉन्फिडेंशियल रखते हुए अपने तौर पर सॉल्व करने की कोशिश करें। जी प्लीज। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम, मैं चलता हूँ। मुझे खोलो यहाँ से, ये मुझे क्यों बांध के रखा हुआ है तुम लोगों ने? खोलो, खोलो। चुप। ये लड़की, तेरी आवाज बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए, वरना कपड़ा तेरे मुंह में ठोस दूंगा, समझी? कौन हो तुम लोग? क्यों लाए हो मुझे? क्यों कैद करके रखा है तुम लोगों ने? पता नहीं, मगर तुम खामोश बैठी रहो, समझी? मुझे प्यास लगी है, प्लीज मुझे पानी पिला दो। चुपचाप बैठी रहो, यहाँ पर होटल ही खुला हुआ है। पानी पिला दो। जब कुछ समझ नहीं आया तुम्हें बुलाया, दिल कम से फटा जा रहा है, इसी वक्त भी मुझे कुछ हो सकता है। खुदा ना करे अम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं? कुछ नहीं होगा आपको, और अल्लाह ने चाहा तो रेशम भी जल्द वापस आ जाएगी। तुम्हारे घर में किसी को पता तो नहीं चला? नहीं, सुल्फी ने बस यही कहा था कि अम्मी जी की तबीयत खराब है, मैं फौरन चली आई। तुम नीलम से कहो कि अगर वो रेशम के बारे में वाकई कुछ जानती है तो उन लोगों से कहे कि हम उनकी हर बात मानने को तैयार हैं, बस वो रेशम को छोड़। घर वालों के लिए और कितने दुखों और तकलीफों का बायस बनोगी बच्चों? इससे तो बेहतर था कि यूसुफ से शादी कर लेती, खुद भी खुश और सुकून से जिंदगी गुजारती, हमें भी सुकून से जीने देती। तुम जानती हो मैंने जो कुछ भी किया तुम लोगों की खुशियों के लिए किया। नहीं, मैं नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती। तुमने जो कुछ भी किया अपनी आना की जंग के लिए किया, बदले और इंतकाम के लिए किया। मैं तो ये भी नहीं देखा कि इस इंतकाम की आग का ईंधन किसे बना रही हो। खैर, ये जंग तो अब मेरी जंग है, इसे मैं खुद ही लड़ूंगी। बस रेशम को आजाद करवा दो, इस घर पर और इस घर के रहने वालों पर ये आखिरी एहसान कर दो। इसके बाद कोई भी तुमसे कुछ भी करने की उम्मीद नहीं रखेगा। रेशम जैसे तुम्हारी बहन है वैसे मेरी भी बहन है, इसकी सलामती के लिए मैं अपनी जान से गुजरने का हौसला रखती हूँ। कभी किया करते थे हम सब तुम्हारी ऐसी बातों पर यकीन, क्या मैं नहीं जानती कि यूसुफ तुमसे क्या चाहते थे, राजा तुमसे क्या चाहता है? एक ही वक्त पर तुम यूसुफ की भी ख्वाहिश थी और राजा की चाहत थी। एक के इंतकाम की भेंट मैं चढ़ गई और दूसरी राजा के लिए कुर्बान होने जा रही। तुम
खुद को देवी समझती हो ना, देवी बनना चाहती हूँ। देवी बनना इतना आसान नहीं होता बच्चों। देवी को हर थोड़े अरसे बाद किसी अपने की कुर्बानी दरकार होती है। अपने उस पुजारी से कहो कि रेशम को आजाद कर दे, और इस बार कीमत तुम खुद चुकाओगी। इस घर का कोई भी फर्द तुम्हारी इस अजमत की भेंट नहीं चढ़ेगा, समझी तुम? देर से दरवाजा खटखटा रही हूँ, आवाज ही नहीं आती तुम लोगों को। कहाँ है तुम्हारी माँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे राजा ने भेजा है, अगर आप सबकी मर्जी हो तो कल शाम में निकाह की तकरीब रख ले। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप लोग शरीफ और खानदानी हैं, लेकिन हम भी ऐसे गिरे पड़े नहीं हैं। हमारे घर में भी किसी चीज की कमी नहीं है, और मेरा बेटा रानी बनाकर रखेगा आपकी बेटी को। कैसी माँ है आप? ऐसे नीच और घटिया शख्स की माँ होने पर शर्म आनी चाहिए एक औरत को, और आप इस बात पर फखर कर रही हैं? है, निकल जाएगी ये सारी अकड़ जब उस नीच और घटिया इंसान की खिदमत करोगी तुम। रेशम कैसी है? ठीक तो है ना? रेशम? कौन रेशम? अच्छा, तुम्हारी छोटी बहन घर पर नहीं है क्या? खैर, आ जाएगी, फिक्र ना करो। हाँ तो बहन, मैं पूछ रही थी कि कल निकाह की तकरीब रख ले। हाँ ठीक है। कल शाम आप मौलवी लेकर आ जाए और निकाह पढ़वा लें, लेकिन उससे पहले मेरी छोटी बेटी घर आ जानी चाहिए। जी। मुझे आपसे इसी अकलबंदी की उम्मीद थी। चलती हूँ, बारात के साथ आऊंगी। जुबैदा की तबीयत का पता करना है, तुम जरा फोन लगा दो। जी अम्मी। जुल्फी सुबह सुबह आके शबनम को लेके गया है। मुझे लगता है जुबैदा बेचारी की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। ये ले अम्मी, बैल जा रही है। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है तुम्हारी जुबैदा? अच्छा हुआ आपा आपने फ़ोन कर लिया, मैं खुद भी आपसे एक ज़रूरी बात करना चाह रही थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? वो असल में कल शाम बहुत सादगी से नीलम का निकाह कर रही हूँ। नीलम का निकाह? जी हाँ, पड़ोस का ही घर आना है, बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने इसरार किया तो मैंने बिला वजह इनकार करना मुनासिब नहीं समझा। कल शाम एक छोटी सी तकरीब रख ली आपा, आप लोगों का शरीक होना लाजमी है। वो तो ठीक है, शिरकत भी हो जाएगी,
लेकिन जुबैदा अभी कुछ महीने पहले तो नीलम ने बहुत ठोंक के शादी से इनकार किया था, फिर ये अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो तो अब भी इनकार कर रही है आपा, लेकिन अब मैं उसके बेतुके फैसलों की मजीद हिमायत नहीं कर सकती। लड़की जात है, जिस कदर जल्द अपने घर की हो जाए उतना ही बेहतर है। हाँ, लेकिन वो घर के मसले मसाइल और जुल्फी की पढ़ाई। आपा, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप लोग कल जरूर आइएगा। खुदा हाफिज। हेलो हेलो, नीलम का निकाह है? क्या हुआ जुल्फी, कुछ पता चला? सारा दिन ख्वार होके लौटा हूँ, वो मनुष्य राजा भी अपने घर पर ही है, कल से कहीं नहीं गया। तो इसका मतलब है कि नीलम का निकाह करना ही पड़ेगा। ये क्या कह रही है अम्मी, एक बहन को बचाने के लिए दूसरी की कुर्बानी दे दी जाए, ये कहाँ की अकलमंदी है? अक्लमंदी इसी में है जुल्फी, के साथ इज्जत के इसको इस घर से रुखसत कर दिया जाए। कभी कभी लड़कियों के खूबसूरत चेहरे ना सिर्फ उनके लिए बल्कि उनसे जुड़े हर रिश्ते के लिए तकलीफ का बाइस बन जाते हैं। ऐसी लड़कियां जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए तो बेहतर है। अपना घर तो गुंडा बदमाश जमाने भर का बदनाम राजा, वो देगा बच्चों को नाम और घर? उस गुंडे बदमाश को इस घर की राह किसने दिखाई थी? उसके नामे किसके नाम आए थे? उसकी दीदा दलेरियों की पर्दापोशी कौन कर रहा था? लड़कियों की ऐसी चश्मपोशियां, पर्दापोशियां और खामोशियां उनके घर वालों के लिए अजाबनाक दिन और कहरनाक रातें बन जाती। अम्मा जी प्लीज, आप टेंशन ना लें प्लीज। मैं जानती हूँ कि बेकसूर है, लेकिन रेशम उससे ज्यादा मासूम और बेकसूर है। अगर इनमें से एक की कुर्बानी देना जरूरी हो चुकी है जुल्फी, तो कुरान नीलम के नाम का ही निकलेगा। अम्मी खुदा के लिए टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। नीलम का निकाह, ये कैसे हो सकता है अम्मी? धोखा ये मेरे साथ। ये तो तुम सोचो कि कौन धोखेबाज है और कौन बेईमान। किसने तुम्हें दिलासे देके झूठे ख्वाब दिखा के अपने फरेब में मुब्तिला किया, और कौन है जिसने अपने वादों और दावों के बरक्स नई दुनिया सर करने की ठान ली? मैं उन लोगों को इतना बेरहम, इतना संगल नहीं समझता था। मेरे वजूद को कोई मजाक समझा उन लोगों ने? मामी जी, अगर आज उसे शादी के लिए मजबूर कर सकती हैं, तो मेरे वक्त में क्यों अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए थे उन्होंने? मुझ में कौन सी ऐसी कमी नजर आ गई थी उन्हें? और आज जिसे शादी करने जा रही हैं वो, उसमें ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे कि इनकार करना मुमकिन नहीं हो रहा है? ये तो तुम अपनी मामी जी या उस चालाक हसीना से जाके पूछो जिसके फिराक में तुम मोमबत्ती की तरह पिघले जा रहे हो। मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि आखिर उस नीलम में ऐसे कौन से नीलम याकूत जड़े हुए जो हर कोई उसका दीवाना नजर आता है। भाई आजकल की लड़कियां बड़ी जहान दीदा हैं। दीदा हवाई कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, खुद शर्माती है। सुना है पड़ोसी है। नीलम आप ही की बेटी का नाम है ना? तो वो और राजा एक दूसरे को पसंद करते हैं। अरे मैं तो कहती हूँ कि अगर आपने कहीं अपनी लड़की की दूसरी जगह मंगनी भी कर दी है ना, तो तोड़ दीजिए, वो वहाँ खुश नहीं रहेगी। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। किसी को कत्ल करने की सजा मौत होती है ना, किसी की खुशियों का ख्वाबों का कत्ल करने की भी कोई ना कोई सजा तो होती होगी, और उसकी सजा मैं लिखूंगा।
ना लिखूंगा। अरे अरे क्या हो गया, किसने सदी के आशिक? यूसुफ 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 कहाँ चला गया यूसुफ? हाँ उस्ताद बोल। खैरियत है? अब तक तो ठीक है। खाना वाना खिलाया उसको? दिया तो है पर वो खा नहीं रही, एक ही बात की रट लगाई हो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। छोड़ देंगे छोड़ देंगे, उसको बोलो कि खाना वाना खाए और आराम से रहे। कल तक की तो बात है, कल के बाद सब सेट हो जाएगा, कोई कुछ नहीं कहेगा उसे। उस्ताद कब तक ड्यूटी करनी पड़ेगी? अबे चरिया हो गया, समझ में नहीं आ रहा। कल तक इंतजार करो। ठीक है उस्ताद, बिगड़ क्यों रहे हो? हाँ ख्याल रखना इसका। समझ गया उस्ताद। खाना खाओ जल्दी। नहीं खाना है मेरे खाना। यहाँ क्या कर रहे हो? घर वाले अब तक खामोश हैं कि शायद वक्त मरहम भी साबित हो जाए और मालूम भी, लेकिन ऐसा होता कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ना समझे कि भी कोई हद होनी चाहिए यूसुफ। इश्क, जुनून, इंतकाम, इन सब की कोई हद नहीं होती है। क्या क्या चाह रहे हो तुम? अच्छी भली जिंदगी है तुम्हारी, किसी चीज की कमी नहीं है, लम्हे लम्हे को एंजॉय करने का वक्त है, और तुम पता नहीं कौन सी ज़हनी उलझनों का शिकार हो। मैं अपनी जिंदगी को किसी दूसरे की निगाह से नहीं बल्कि अपनी नजर से देख रहा हूं। मैं जानता हूं किस चीज की कमी है, कौन सी खलिश लाहक है, इसलिए बराए मेहरबानी किसी दूसरे को मेरे मामला में बोलने की जरूरत नहीं है। क्या चाह रहे हो तुम? सारी दुनिया को आग लगाना चाह रहा हूं, कोई है जो मेरा साथ देगा? यूसुफ फॉर गॉड सेक समझाओ अपने आप को, ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का मसला नहीं है मेरे भाई। अम्मी परेशान है, मैं परेशान हूँ, और वो बेचारी शब्द जिसका रत्ती बराबर कसूर नहीं है सारे के सारे। तुम हम सबको किस बात की सजा दे रहे हो आखिर? भूल जाओ उसे, भुला दो नीलम को, शबनम किसी तौर उससे कम नहीं है। मैं नीलम को नहीं भूल सकता, अगर वो मेरी नहीं हो सकी मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। कुछ ऐसा नहीं करोगे जिससे खानदान की इज्जत उछले, समझे तुम? और अच्छा उसका भी घर बस रहा, कम अज कम इस बहाने तो तुम उसका पीछा छोड़ दोगे। सोच है तुम्हारी, मैं कयामत तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा, देख लेना तुम। क्या चाह रहे हो तुम, क्या करोगे? ये तुम्हें वक्त बता देगा। What? नीलम ये क्या हिमाकत है? अपनी वालदा को समझाओ, ये किस किस्म का कदम उठाने जा रही है? एक बेटी की जिंदगी बचाने के लिए दूसरी बेटी की जिंदगी को जहन्नुम बनाने जा रही है वो। जिंदगी पहले कौन सी खुशगवार है सर, सोच तो बस इतना है कि जिन लोगों की खुशियों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी हूँ, उनके दिलों में मेरे लिए सिर्फ गुस्सा और आंखों में सिर्फ नफरत।
इस गुस्से और नफरत का सामना करना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा सर, इसलिए मैं वही करूंगी जो ये लोग कहेंगे। देखो नीलम, हर मसले का कोई ना कोई हल जरूर होता है। इंस्पेक्टर शहरयार पर्सनली तौर पर इस केस को लुक आफ्टर कर रहे हैं और मेरे कहने पर कॉन्फिडेंशियल भी रखा हुआ है उन्होंने। बात लीक आउट होने से पहले इंशाल्लाह रेशम बाजियाब हो चुकी होगी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी फैमिली से आकर मिलता हूँ, मैं समझाऊंगा उन्हें। नहीं सर, मैं सारे हथियार डाल चुकी हूँ, हर इख्तियार से दस्तबरदार हो चुकी हूँ। ये लोग मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो यही सही। इन सब के लिए कुर्बानी तो मैं कब की दे चुकी हूँ, चाहे ही मुझे फांसी पर लटकाएं या गर्दन पर छुरी चलाएं, मेरे लिए सब बराबर है। नीलम मेरी बात सुनो। हेलो हेलो हेलो, तुम सोई नहीं अभी तक? आप भी तो सो गए थे ना। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम? यही कि जिन बीवियों के शौहरों को नींद में चलने की आदत हो, उन बीवियों को आसानी से नींद नहीं आती। कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करना चाहता है, लेकिन इतना तय है कि वो कुछ ना कुछ करने पर तुला जरूर बैठा है। हम किसे कोसे, किसे बुरा भला कहे? शबनम और नीलम का क्या कसूर है जब हमारे अपने घर में खन्नास घुसाया है? यूनुस, कल की तकरीब में ये कोई शोर गुल ना मचा दे। दूल्हा वालों के सामने अगर कुछ ऐसा वैसा बोल दिया तो मैं तो जुबैदा के आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। शबनम वैसे ही हमारे घर में घुट घुट के जीने पे मजबूर है, अरे दूसरे की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी ससुराल में। मैं सवाए समझाने के और क्या कर सकता हूँ, और समझाने का तो उस पर उल्टा ही असर हो रहा है। आप ठीक कहती हैं, उसके सर पर शैतान सवार है। जुबैदा से बात कर लूँ क्या? कमाल करती हैं आप, ये निकलता के लिए उन्हें भी सूली पर लटका देना चाहती हैं। क्या होगा भाई, ये उल्टे दिमाग का आदमी है, इससे बईद नहीं है, कुछ भी कर बैठेगा। तो इसे ना ही बताती तो अच्छा था। आपने भी तो शोलों को और हवा दी है, क्या जरूरत थी नीलम को उसके सामने बुरा भला कहने की? खैर आप लोग कल तकरीब में शिरकत कर ले, मैं उसके साथ यहीं घर पे रहूंगा, उसको घर से निकलना ही नहीं दूंगा। हाँ ये अच्छी बात है, बस तुम उसे यहीं रोके रखना, मैं रमना सुरैया और फयाज चले जाएंगे तकरीब में। अल्लाह बस साथ खैर खैरियत के हो जाए। राजा के घर से तुम्हारे लिए सामान आया है, निकाह का जोड़ा भी। पहन कर तैयार हो जाओ, मैंने लटका दिया है। मेकअप भी कर लेना वरना लोग शक करेंगे, वो वैसी अजीब अजीब नजरों से देख रहे हैं। के बाजे और कौन बेईमान, किसने तुम्हें दिलासे देके झूठे हाथ दिखा के अपने फरेब में मुब्तला किया, और कौन है जिसने अपने वादों और दावों के बरक्स नई दुनिया सर करने की ठानी? दरवाजा किसने बंद किया है? दरवाजा खोलो। मैंने बंद किया। मैं कह रहा हूँ यूनुस, दरवाजा खोलो। खोल दूंगा, चंद घंटे गुजार लो। तुम दरवाजा खोलो या नहीं, मेरे हाथ में पिस्टल है, अगर दरवाजा नहीं खोला मैं अपने आप को शूट कर लूंगा। यूनुस दरवाजा खोलो। शबनम,
सकते हो जी पापा। ये नीलम तो शादी के लिए तैयार नहीं थी, मान कैसे गई? जी वो पता नहीं, लड़के ने खुद पसंद किया है क्या? जी शायद। रेशम नजर नहीं आ रही, यहीं कहीं होगी ना मेहमानों में, मैं देखती हूँ उसे। तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? ये क्या दीवान की गुरु गन छोड़ दे, बैठो। ये क्या, ये सब छोड़ दे। क्यों भाभी जल्दी तैयार करें, वो लोग आते ही होंगे। दुल्हन को वक्त लगता है, क्यों नीला? हेलो जी यूनुस बोलिए। क्या आप परेशान नहीं हो? मैं अभी अभी हम लोग अभी घर पे आते हैं जी। भाभी एक मिनट सुनिएगा। आई हाँ भाई को गोली लगी है। क्या? हमें घर जाना होगा अभी, क्योंकि वो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। कैसे हुआ ये? तुम नंद भावा जी आपस में क्या बातें बता रहे हो? बता। अम्मी हमें फौरन घर जाना होगा। या अल्लाह खैर क्या बात है, ना मुझे दहलाओ मत, खैरियत तो है? भाभी आप अम्मी को गाड़ी तक लेकर जाएं, मैं शबनम को बताकर आती हूँ। अल्लाह खैर रखियो, आप चले लो, मैं बताती हूँ, आप चलिए 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 बस। शबनम हमें जाना होगा। क्यों? यूनुस का फोन आया था, यूसुफ भाई जख्मी हो गए, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। वो जख्मी हो गए कैसे? उन्होंने जज्बात में आकर अपने आप को शूट करने की कोशिश की। मैं चलती हूँ। ये सुरैया कहाँ जा रही है? वहीदापा भी नजर नहीं आ रही, सब लोग कहाँ चले गए? घर चले गए। घर चले गए लेकिन क्यों? ये तकरीब शायद उन्हें रास नहीं आई।